21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के प्रति शोधकर्ताओं और ज्योतिषियों में गहन जिज्ञासा बनी हुई है। भौतिक विज्ञानियों की माने तो इस खगोलीय घटना को देखने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए वो बेहद उत्सुक हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध पर आते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में ही यह सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। इधर ज्योतिषियों और धर्मगुरुओं की माने तो सूर्य ग्रहण का कई राशियों पर अच्छा व बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित हैं। नमस्कार, जैसा कि सबको मालूम है, भारत एक बार फिर से सूर्य ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है। 21 जून 2020 को पड़ने वाला ये ग्रहण 6 महीने के अंतराल में दूसरा सूर्य ग्रहण होगा जो कि भारत से देखा जाएगा। इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को भी सूर्य ग्रहण देखा गया था। इस साल 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारत में प्रातः 10 बजे से है। वलयाकार आकृति मार्ग की ये लाइन उत्तराखंड से होते हुए भी जाएगी। दिन में 1:54 पर ये लाइन भारत से बाहर हो जाएगी। देश के ज़्यादातर हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, ऐसी पूर्ण संभावना है। सूर्य ग्रहण के समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं, जैसे सूर्य को सीधे तौर पर नहीं देखना है क्योंकि इससे निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। अतः सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमें सोलर फिल्टर ग्लास वाले चश्मों का इस्तेमाल करना है। दोपहर 12 बजे पूर्ण सूर्य ग्रहण की पूर्ण संभावना है। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे लंबा होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। एक्चुअली सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो उस समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी पृथ्वी से देखते वक्त चंद्रमा एक तरीके से सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक लेता है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए हर महीने की अमावस्या को ये स्थिति बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है। लेकिन हर बार सूर्य ग्रहण नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक समान तल पर चक्कर नहीं लगाते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। चंद्रमा से ढक दिए जाने पर सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है, इसको हम एस्ट्रोफिजिक्स की लैंग्वेज में कोरोना कहते हैं, वो प्रकाशित होती है। कोरोना में होने वाली विभिन्न घटनाएं, इसके अध्ययन के लिए सूर्य ग्रहण का होना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण घटना है। टीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।